कंगना रनौत की मां ने अमिताभ बच्चन से सवाल पूछने के बाद एक और धड़ाम वाला छक्का लगाया है। जी हाँ, कल वो काफ़ी ट्रेंड कर रही थी जब उन्होंने अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा कि मैंने सुना था मुंबई में एक मर्द तांगे वाला रहता है, मगर आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज दरअसल मनाली में एक पत्रकार से उन्होंने बात की और बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है, सच का साथ देती है। हम तो कांग्रेसी थे पहले, पूरा परिवार कांग्रेसी था। उन्होंने बताया कंगना के परिवार में काफ़ी लोग राजनीति में रहे हैं, हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी था, मगर वहाँ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। बीजेपी हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उस पार्टी ने हमें सहयोग दिया, अमित शाह ने हमें सहयोग दिया। अमित शाह ने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी, जब उसको जान का खतरा हुआ तो उसको सिक्योरिटी दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश की जनता मेरी बेटी के साथ है और इस बात के लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी पर मुझे बहुत गर्व है कि वो इतनी निडर है, साहसी है, हौसला है उसमें, सच बोलती है, सच का साथ देती है। जिस तरीके से कंगना की माँ बोल रही थी, बिल्कुल अंदेशा हो जाता है कि जब मम्मी ऐसी हैं तो बिटिया वैसी ही होगी, बेबाक, बिना डर के बात करने वाली, जैसे कंगना करती हैं। और कंगना की माँ ने अपने कहीं ना कहीं आ करके इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन हाँ, अब बीजेपी ने सहयोग दिया है। कांग्रेस जिससे उनका रिश्ता था, उस कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया, यही नहीं, पूछा तक नहीं। अब इस बारे में कंगना की माँ मर्द टांगे वाला का चौका लगाने वाली, आज उन्होंने कांग्रेस पर छक्के का निशाना लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आपने ज़रूर बताएं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।